ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के एलएस पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। फौज ने तमाम मजाहिब के एहतराम की अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हज करके लौटने वालों के एजाज में एक तकरीब मुनक़िद की। इस ज़मन में कंगन आर्मी कैंप ने जिला गांदरबल में कंगन के इलाके वोसन के हाजियों के साथ एक गैर रस्मी बातचीत सेशन का अहतमाम किया। इसका मकसद यही था कि फौज मुकद्दस सफर से लौटे लोगों और फौज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद और मजबूत किया जाए। अंदाज़ा नहीं था, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुरान अंदाजी में मेरा नाम निकला और ये एक हर एक मुसलमान पर जिसको ताकत होगा कि वो हज का फरीज़ा अंजाम दे, एक दफ़ा का फरीज़ा, अगर बार बार भी उसकी तौफीक हो अल्लाह ताला हर किसी को इस मुकद्दस मुकाम पे पहुँचाए। हम गवर्नमेंट ने जितने भी इंतज़ाम किए, लोकल गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने या अरब के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए थे। ये सफ़र सबसे अच्छा सफ़र है इंसान एक मुसलमान की ज़िंदगी में, जो इस जगह पर जो दुनिया और आखिरत के लिए सबसे अच्छा घर बनाया हो उसका तवाफ करना और उसमें सबसे आला इंसान की जो दुनिया और आखिरत के लिए सबसे आला है उसके रोज़े पाक की आज जो प्रोग्राम था ये यहाँ का जो आर्मी न्यूट ने मुनक्किद किया था, इसमें सभी लोग आए, सभी ने अच्छी तरह से सभी के साथ अच्छे तरह से बातचीत हुई, सबके साथ गले मिल गए और सबसे अच्छा रहा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सौदान ने मिशन इंद्रधनुष का आगाज़ किया। इस सिलसिले में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में एक तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर ने चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में इस मिशन का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि सेहत शोबा इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है ताकि एक सेहतमंद माशरे की तामीर हो सके। इनका कहना है कि लोगों को सेहत की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए मेरी अव्वलीन तरजीहात में से एक है। डीसी ने महकमे सेहत के अफसरान पर जोर दिया है कि तमाम बच्चों को इस स्कीम के तहत वैक्सीन दिलाने में कोई कमी न बरती जाए। आज जो है यूविन का पर्टिकुलरली इस्तेमाल हुआ है। यूविन एक नया सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका जितना भी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है जो डिजिटाइज है, एज पर जो रिपोर्ट है फ्रॉम द CMO ये है कि इस पर्टिकुलर हफ्ते में हम 542 बच्चों को टारगेट करेंगे और उनको वैक्सीनेट करेंगे। ये वो बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं या ड्यू हैं। एंड ये पर्टिकुलर IMI कैंपेन हर एक फैसिलिटी में चलेगा, नॉट जस्ट दी STH एंड DH। दिस विल बी इन ऑल दी HWCs एंड आई एम बीन टोल्ड इवन आंगनवाड़ी सेंटर्स। So hopefully we'll be able to achieve the 100% coverage. Our vaccination coverage is already very good. ये इसलिए इंटेंसिव एडमिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है ताकि इसमें जो भी बच्चे छूट गए हैं या जिनका ड्यू है उनको हम वैक्सीन मीजल्स रूबेला देंगे, जिनका फर्स्ट डोज छूट गया है उनको देंगे, जिनको ड्यू है उनको भी देंगे, इसी तरह जिनका दूसरा डोज छूट गया है उनको भी देंगे, जिनका ड्यू है उनको भी देंगे। इसके साथ साथ जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है जिनका ड्यू है TD फर्स्ट या TD सेकंड उनको भी हम वैक्सीनेट करेंगे। ये मुहिम पूरे कंट्री में आज शुरू हुई है और आज से पहला राउंड 7 अगस्त से 14 अगस्त तक ये शुरू रहेगा। कार्निवल पहलगाम रोड पर बेशतर क्रॉसिंग्स पर जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर्स न होने की वजह से अक्सर और बेशतर सड़क हादसात पेश आते हैं। बच्चन अनंतनाग में आकुरा क्रॉसिंग का भी कुछ इसी तरह का हाल है। लोगों का कहना है कि हालिया मैकडम बिछाने के बाद महकमे R&B यहां से सभी स्पीड ब्रेकर्स को हटा दिया है, जबकि मतबादल तौर पर जेब्रा क्रॉसिंग को भी नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से यहां पर अक्सर और बेशतर सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। लोगों ने DC अनंतनाग और R&B हुकाम से फौरी तवज्जो देने की अपील करते हुए कहा है कि क्रॉसिंग्स पर स्पीड ब्रेकर्स और जेब्रा क्रॉसिंग बनाना वक्त की अशद जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ये KP रोड अनंतनाग से सीए तक पूरा मैग्नेटाइज किया गया है। मैग्नेटाइज करने से पहले यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगे हुए थे तो यहाँ एक्सीडेंट होने का कोई खदशा नहीं था, मगर जब से यहाँ पे ये मैग्नेटाइज किया गया है रोड KP रोड मटन इस ओकोरा चौराहे पे, तब से यहाँ पे उन्होंने वो जो स्पीड ब्रेकर लगे थे वो पूरे खत्म किए थे। हमने उनसे गुजारिश की थी कि इस स्पीड ब्रेकर को दोबारा यहाँ पे बहाल किया जाए, मगर उन्होंने माना नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईवे है, KP रोड है, यहाँ पर इस चौराहे पे एक साथ चार तरफ से गाड़ियाँ आती है और दिन में 100 times यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। आज भी यहाँ एक इनोवा और बुलेरो में टक्कर हो गई,
जिसकी वजह से पैसेंजर बाल बाल बच गए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे या स्पीड ब्रेकर लगाए या कुछ ट्रैफिक जेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक वालों को यहाँ तैनात करे जिससे कीमती जाने बच जाए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में